और भाई अभिषेक कैसे बुलाया तूने आज मेरे को? यार घर पे बोर हो रहा था, सोचा कहीं चल पड़ो तेरे साथ घूमने। चल महिर कहीं घूमने चलेंगे। यार एक मिनट जरा सुनिए यार, तू क्यों इस आतंकवादी के साथ रहता है? आतंकवादी नहीं है ये, दोस्त है मेरा। अरे यार ये मुसलमान है ना, सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। यार मैं तो नहीं लेके जा सकता इसको अपने साथ कहीं। अगर तू इसको लेके जा सकता ना तो मैं भी नहीं आ रहा। अरे भाई वो क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं भाई, उसको कुछ काम पड़ गया, कहीं घूमने नहीं जा रहे, छोड़ रहा था। यार तूने उस मुसलमान के साथ क्यों दोस्ती रख रखी है? तेरे को पता नहीं क्या मुसलमान कैसे होते हैं? कभी भी दोस्ती है ना मजहब देख के नहीं की जाती, सारी जाति धर्म से पहले ना हम एक इंसान है। तेरे को नहीं पता हो ना, भगवान एक ही होता है, बस उसके नाम अलग अलग होते हैं। यार वरुण ना पूरे दिन उसी मुसलमान के साथ पड़ा रहता है। हाँ भाई तो ठीक कह रहा है, मैं भी उसके पास फोन करता रहता हूँ लेकिन बिल्कुल आता ही नहीं। यार अरुण को अंदाजा भी नहीं हो कितनी बुरी संगत में है, उसे क्या पता उस मुसलमान के कर्म और धर्म के बारे में। हम हिंदुओं से बहुत अलग है यार वो। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मुसलमान होते ही ऐसे हैं। अरे भाई होते हो रहा मुसलमान। चल इसको बताते हैं, इसने हमारा दोस्त छीना ना हमसे। तुम मुसलमानों का यही काम है क्या, हमारे हिंदू भाइयों का बेलाफुस लाकर अपना इस्लाम कबूल करवाना? तूने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया, अब तू उससे दूर रहियो वरना तेरी खैर नहीं। ना हिंदू बुरा होता ना मुसलमान बुरा होता है, जो गलत काम करे वो इंसान बुरा होता है। बुराई तो तुम हिंदुओं में भी होती है लेकिन हम पूरी कौम को बदनाम कभी नहीं करते, लेकिन हमारे दो चार गलत बंदों की वजह से तुम पूरी कौम को बदनाम करते फिरते हो। बुरा इंसान में नहीं इसकी सोच में होती है, और तुम जैसे की सोच कभी नहीं बदल सकती। हाँ भाई महिर कहा यार, चलना बहुत दिन हो गए, चल कहीं घूम के आते हैं। यार मैं नहीं आ रहा, मेरे को घर पे कुछ काम है, तू चला जा। चल ठीक है भाई। तुम मुसलमानों का यही काम है क्या, हमारे हिंदू भाइयों का बेलाफुस लाकर अपना इस्लाम कबूल करवाना? तूने हमसे हमारा दोस्त छीन लिया, अब तू उससे दूर रहियो। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। रे लड्डो मैंने बेरा था, या दुनिया बदले है लेकिन उस दुनिया मन कदे तू नहीं गिनी थी। मैं मानू हूँ मैं तेरे स्टैंडर्ड का ना था लेकिन मैंने भी प्यार तेरे त्रियो को आता फालतू कराया था। सुन तो ऐसा कुछ ना जो तू सोचे है, सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो मन में आता है वही बोल देता है। चल मैं तो तेरी लाइफ में अभी आई थी लेकिन मैं तो तेरा बचपन का दोस्त था, मेरे पे विश्वास नहीं करना था, तूने उस पर तो विश्वास करना चाहिए था कि वो तेरे तक कभी धोखा नहीं देगा। चल मैं तेरे को बताती हूँ असलियत में हुआ क्या था। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, सभी लोग मुसलमानों को आतंकवादियों की नजर से क्यों देखते हैं? कुछ मुट्ठी भर लोग खराब, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी कौम खराब हो। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, अच्छे या बुरी उनकी सोच होती है। तू लोगों की बातों ने दिल पे मत लिया कर, तू ये सोच के उदास मत हो कि हजारों लोग तेरे खिलाफ हैं, बल्कि तू ये सोच के खुश हो कि कुछ लोग तो तेरे साथ हैं। तू लोगों की बातों ने दिल पे मत लिया कर, ठीक है? देखना मेरे एक बार कुछ चला गया क्या तू? ये मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने महीर पर ना विश्वास ना करा, मैंने उसको माफी मांगनी पड़ेगी। भाई
भाई सॉरी यार, मैं तेरे को गलत समझ गया यार। चल कोई बात नहीं, तेरे जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। चल भाई आजा बैठ के बात करेंगे। भाई मुझे माफ कर दे यार, मैंने सभी मुसलमान भाइयों को एक जैसा समझा। भाई तू माफी मांग क्यों रहा है यार? कल मेरी मम्मी को ब्लड की बहुत ज़रूरत थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी मुसलमान ने उन्हें ब्लड डोनेट किया है। कोई नहीं भाई, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने की होगी मदद। भाई कभी हमें ना किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, जाति धर्म से पहले हम एक इंसान, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर और अल्लाह ये दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। जो ये बात समझ गया समझो वो इंसान बन गया।